आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा नोटिस ऑफ ओपनिंग, जो कि माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन नंबर 16 का पार्ट है और कोल माइन रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर 3 है। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि माइंस एक्ट 1952 सेक्शन 16 में क्या है। यहाँ पे सेक्शन 16 हमने लिख रखा है, तो हम लोग इसको रीड नहीं करेंगे, अभी इसका कंसाइज फॉर्म देखेंगे। सेक्शन 16 कहता है कि कोई भी माइन में, मतलब नया माइन में आपको जो है अगर ऑपरेशंस चालू करने हैं तो उससे पहले आपको परमिशंस लेनी पड़ेंगी। तो इसमें हमको पता चलता है कि कौन परमिशन लेगा, कौन देगा, कब लेंगे और कैसे लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कौन परमिशन लेगा। तो परमिशन लेने वाला होगा माइन के ओनर, एजेंट या फिर मैनेजर। ठीक है, अब बात आई कि कौन परमिशन देंगे। परमिशन देने वाले रहेंगे तीन लोग। एक तो चीफ इंस्पेक्टर रहेंगे डीजीएमएस के, दूसरे हो गए कंट्रोलर इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के, तीसरे हो गए कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका माइन खुलने वाला है उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी। ठीक है, अब परमिशन कौन लेंगे कौन देंगे ये पता चल गया। अब थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे लेना है परमिशन। परमिशन लेने के लिए हमको जो है नोटिस देना पड़ेगा, ये तीन जगह पर, मतलब माइंस के ओनर, एजेंट और मैनेजर को देना पड़ेगा नोटिस। अब नोटिस भी भाई देने का कुछ तरीका तो होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ा ना कि हम पेन पेपर लिए और लिख दिए कि सर हमको परमिशन दे दिए, इतना तारीख से हम खदान चालू करने वाले हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसका जो है एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट आता है, फॉर्मेट भरिए और सबमिट करिए। वो फॉर्मेट क्या है? फॉर्म 1। फॉर्म 1 वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे। अब उसके बाद बात आई कि सर मान लीजिए जैसे हमने एक डेट फिक्स कर दिया कि इतने तारीख से हमको जो है माइन में अपना ऑपरेशन चालू करना है, तो क्या 24 घंटे पहले हम अप्लाई करेंगे और परमिशन मिल जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। एक्ट के हिसाब से कम आपको परमिशन लेने के लिए नोटिस कमेंसमेंट डेट से, जिस दिन से आपको माइन चालू करना है, उससे 1 महीना पहले कम से कम आप नोटिस सबमिट करिए। ये है आपका कंप्लीट माइंस एक्ट सेक्शन 16 का इंफॉर्मेशन। अब जो है कोल माइन रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर 3 क्या कहता है ये हम लोग देख लेते हैं। फिर से वही करेंगे, यहाँ पे पढ़ने नहीं जाएंगे, रीडिंग नहीं करने जाएंगे क्या लिखा है, इसका कंसाइज फॉर्म देखेंगे हम लोग। तो भाई कोल माइन रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर 3 ये कहता है कि कोई भी माइन खुलेगा तो वो माइंस एक्ट के सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग ही खुलेगा। ठीक है, अब हम लोग ये चीज देखे थे कि एक्ट के हिसाब से ये चीज देखे थे कि हम लोगों को नोटिस देना पड़ेगा। अब रेगुलेशन ये कहता है भाई कि नोटिस तो आप दीजिएगा ही दीजिएगा, लेकिन उसके साथ दो और चीज दीजिएगा। दो और चीज क्या दीजिएगा? एक तो सरफेस प्लान आपको सबमिट करना पड़ेगा, दूसरा सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान आपको सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, सरफेस प्लान बनता है रेगुलेशन नंबर 65 के हिसाब से और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान 104 नंबर रेगुलेशन के हिसाब से बनता है। सरफेस प्लान जब हम लोग रेगुलेशन 65 पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे बनता है, क्या क्या शो करते हैं उसमें, लेकिन कुछ कुछ बता देते हैं। जैसे उसमें हमको शाफ्ट अगर है वहां पे तो शाफ्ट दिखाना है, उसके बाद आपका रोड, रेल, नदी नाला, तालाब, उसके बाद माइन का बाउंड्री अपना ऑब्वियसली दिखाइएगा, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर है तो वो सब दिखाइएगा। सिमिलरली सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, हम लोग ये सब कुछ जानते हैं कि भाई जो भी माइंस एक्ट, रूल, रेगुलेशन कुछ भी बना है, सर्कुलर, बाईलॉज कुछ भी बने हैं, सब कुछ सिर्फ एक ही उद्देश्य से बने हैं कि सेफली अपने माइन को कैसे चलाएं ताकि इंसान का वेलफेयर हो सके। ठीक है, तो इसीलिए सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बनाया गया जो कि रेगुलेशन 104 के तहत होगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नोटिस के साथ क्या क्या हम लोग अप्लाई करेंगे। हो गया, अब जो है मान लेते हैं कि हमारा माइन का बाउंड्री कुछ समय के बाद हम लोग चेंज करते हैं। तो जब चेंज करेंगे तो फिर से हम लोग, अब अगर सोचेंगे कि पुराना सरफेस प्लान काम आएगा तो नहीं काम आएगा। अब हम लोग फिर से नया सरफेस प्लान बनाएंगे जिसमें जो भी स्ट्रक्चर्स रहेंगे फिर से वो सब दिखाना पड़ेगा, और खास करके नया माइन बाउंड्री तो जरूर से जरूर दिखाएंगे हम लोग। ठीक है, समझ गए। अब इसमें और एक बात रेगुलेशन बोला है,
रेगुलेशन में ये चीज बोला गया है कि मान लीजिए आज के डेट से आप जो है माइन का बाउंड्री आपका बदल गया आज के डेट से, तो जो नया सरफेस प्लान आप सबमिट करिएगा रीजनल इंस्पेक्टर एज वेल एज चीफ इंस्पेक्टर के पास, वो जो है उस डेट से 7 दिन के अंदर अंदर आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, समझ गए। अब बात आई कि भाई नया माइन खोलेंगे कैसे खोलेंगे, ये तो हमको समझ में आ गया, लेकिन जब हम लोग CMR 1957 फॉलो करते थे उस टाइम सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का कोई जिक्र नहीं किया गया था, तो क्या नया वाला माइंस में इसका जिक्र नहीं करना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है करना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में जब हम लोग कोल माइन रेगुलेशन 2017 फॉलो करते हैं तो उसमें 104 नंबर रेगुलेशन में हमको सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान पढ़ना है, और जो कि हर तरीके के माइन के लिए वैलिड होगा, जो अब खुल चुका है और जो खुलेगा। तो इसीलिए DGMS ने कहा कि आप जो है सबमिट करिएगा, मतलब जो पुराने खदाने जो पहले से खुल चुके हैं 2017 से पहले, वो जो है सबमिट करेंगे हमारे पास दो चीज, एक तो सरफेस प्लान फिर से सबमिट करना पड़ेगा वही रेगुलेशन 65 के अकॉर्डिंग बना के, और दूसरा सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान 104 नंबर रेगुलेशन के हिसाब से बना बना के। अब बात आई कि सर ठीक है हम लोग सबमिट कर देंगे, लेकिन सर कुछ टाइम दिया जाए, तो DGMS ने टाइम दे दिया कि भैया आप जो है सरफेस प्लान जो है 60 दिन के अंदर अंदर, मतलब जिस दिन से कोल माइन रेगुलेशन 2017 27 नवंबर 2017 को इम्प्लीमेंट हुआ था, जिस दिन से ये इम्प्लीमेंट हुआ है उस दिन से 60 दिन के अंदर अंदर आप जो है सरफेस प्लान अपने एग्जिस्टिंग माइन का सबमिट कर दो। सिमिलरली सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान 1 दिन में नहीं बनेगा, तो इसलिए उसके लिए भी उन्होंने परमिशन दे दिया कि भाई आप जो है 27 नवंबर 2017 से 1 साल के अंदर अंदर सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान सबमिट कर देना। ठीक है, बात हो गई। अब बात करते हैं सब रेगुलेशन नंबर जो लास्ट 3 नंबर है वो क्या कहता है। वो ये कहता है कि मान लीजिए ठीक है आप खान के लिए आप जो है अप्लाई किए, नोटिस आपको मिल गया परमिशन, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप परमिशन मिल गया तो चालू कर दिए और DGMS और जिससे जिससे परमिशन लिया था आप उनको भूल गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जो है जब आपको परमिशन मिली जिस डेट का, तो जिस डेट का आप चालू किए हैं वो डेट आपको जो है चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तीनों के पास वो डेट आपको जाके बताना पड़ेगा कि सर हम इस डेट से अपने माइन को चालू किए, हमको परमिशन मिल गया था। ठीक है, ये था हमारा पूरा नोटिस ऑफ ओपनिंग ऑफ माइन। ये जो स्क्रीन पे अभी दिख रहा है ये है फॉर्म नंबर 1, इसी को फिल करके हम लोग जो है परमिशन लेते हैं। एक रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि ये वीडियो देखने के बाद प्लीज माइंस एक्ट सेक्शन 16 और रेगुलेशन नंबर 3 ऑफ कोल माइन रेगुलेशन 2017 पढ़िए, ताकि वीडियो देखने के बाद तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।